वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जगत गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे 555वें प्रकाश गुरपुरब नूं मनाउंदिआं होइआं जो गुरद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी विखे सिख पंथ दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख सेवादार सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, समूह मैनेजमेंट, समूह मैंबर साहबान अते गुरद्वारा साहबान, मैनेजर साहिब, समूह जथेबंदियां, निहंग सिंह जथेबंदियां, संप्रदावां, सभा सुसायटियां वलों बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल जो 13 तो लैके 15-16 तक बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। सतगुरु पातशाह जी दे आगमन पुरब नूं मुख रखदिआं होइआं जिहड़ियां तैयारियां ने उह सारियां लगभग मुकम्मल कर लईआं गईआं ने अते जिहड़ियां रहि गईआं ने उह हो रहीआं ने। इत्थे साडे अति सत्कारयोग मैनेजर साहिब सरदार गुरबख्श सिंह जी बच्चीवंड उहनां दे प्रबंध अधीन जो इत्थे सारा समूह स्टाफ चल रहा है तो सारी जिहड़ी तैयारी है वह की जा रही है। सफेदी का काम जिहड़ा लगभग मुकम्मल होने वाला है अते गुरु घर दे विच सजावट नूं मुख रखदिआं होइआं 11 तरीक नूं सुंदर फुल्लां दी सजावट की जाएगी जिहड़ी 13 तरीक नूं मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरह ही 13 तरीक नूं दरमियानी रात जिवें आपां मन्नदे हां परंपरा दे अनुसार 13 ते 14 दी दरमियानी रात नूं 2:30 बजे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होने हन अते उन्हां दे भोग 15 ते 16 दी दरमियानी रात 1:40 ते शुरू होणगे। तो सतगुरु पातशाह जी दे इन्हां महान पुरबां नूं मुख रखदिआं होइआं 14 नवंबर नूं जो गुरद्वारा संत घाट तों हर वारी बड़ा अलौकिक अते बड़ा ही विशाल नगर कीर्तन आरंभ हुंदा है इस वार भी 14 तरीक नूं पंज प्यारे साहिबान निशानची सिंह साहिबान अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी योग अगवाई दे विच समूह साध संगत वल्लों इह महान नगर कीर्तन आरंभ होएगा। वख वख पड़ा दर पड़ा हुंदा होया जो शाम नूं इह नगर कीर्तन सवेरे लगभग 9:30 बजे शुरू होएगा अते पड़ा दर पड़ा हुंदा होया शाम नूं गुरद्वारा श्री बेर साहिब विखे इस नगर कीर्तन की समाप्ति होएगी। तो इस तरह ही गुरमुख प्यारियो ये दीवान सजनगे भाई मरदाना जी दीवान हाल के 14 तरीक की शाम तो लैके 16 तरीक की अमृत वेले तक लगभग 8 बजे तक ये जड़े दीवान ने इन्हों की समाप्ति होएगी। दीवान की आरंभता तो बाद ये पंथ के महान कथावाचक कवीशर ढाडी सिंह अते कवि दरबार जो हुंदा है इस विच हाजरी भर के संगतां नूं निहाल करनगे। 15 तरीक नूं इत्थे गुरु घर दे विच शाम नूं 7 बजे आतिशबाजी अते दीपमाला होएगी अते 15 तरीक नूं ही साडे मुख सेवादार प्रधान साहिब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उहनां ने संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करने हन। तो इसे तरह ही गुरमुख प्यारियो जिहड़े बाकी ने 15 तरीक नूं ही अमृत संचार है जो जिहड़े भी अमृत वलाखी गुरमुख प्यारे ने 15 तरीक नूं 12 बजे दोपहर इत्थे पहुँच करके अमृत छक करके गुरु वाले बन सकते हैं जिन्हां ने जिन्हां ते गुरु महाराज की अपार कृपा हुई है ते जिन्हां ते जे नहीं हुई वह पहुँच करके जरूर लाहे प्राप्त करन। इस तरह ये जिहड़े प्रोग्रामां दा वेरवा है 13 तरीक नूं दरमियानी रात नूं लगभग 14 का अमृत वेला श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होने ने 2:30 बजे जिन्हों का 15-16 1:40 से भोग पाए जाने ने। तो सारी संगत ने यह प्रोग्रामों नोट कर लेना जिमें कि आप जी देख रहे हो गुरु घर के जोड़ा सजावट न मुख रखद हो रंग बिरंगिया झंडिया जड़िया हर बार गुरमुख प्यार वालों तैयार करके लगाईया जा लगन जा रही ने। तो सतगुरु पातशाह जी कृपा कर 11 तरीक न जड़े ताजे फुलों की जी सजावट है वह गुरमुख प्यारियों द्वारा आरंभ हो जानी है जी 13 की शाम तक संपन्न कर ली जाएगी। अंदरली सजावट है जी वह भी गुरमुख प्यारियों की जी 13 तरीक न संपन्न होएगी। इस तरह ये सारे प्रबंध ने जड़े ये कर लिया गए हैं। रहायश का प्रबंध किया गया है
सो क्योंकि गुरु घर दे विच हर एक तरह का प्रबंध है, लंगरां का प्रबंध किया गया है महापुरखां नूं बेनती करके, अते गुरु घर दे मेन जिहड़े लंगर हाल है उस विच भी तैयारी कर ली गई है। तो सतगुरु पातशाह जी दे प्रबंध गुरपुरब नूं मुख रखदिया होया योग प्रबंध जिथे किए गए ने उत्थे बेनती भी है, क्योंकि संगत की आमद बहुत ज्यादा हुंदी है, इस करके आपो अपना जिहड़ा बिस्तरा अते गर्म कपड़े लैके नाल आउण, क्योंकि प्रबंध फिर भी जिहड़े थोड़े पै जांदे ने तो भावें कि प्रबंध जिहड़े पुख्ता किए गए ने गुरु घर दे वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों ये जिहड़े योग प्रबंध किए गए ने, अते प्रशासन भी जिहड़ा असीं कल भी बेनतियां कीतियां ने कि जिथे भी आप जी ढलियाई देखदे हो जिथे भी किते ऊणताई है उस नूं गुरपुरब तों पहलां पहलां सतगुरां दे इहनूं पूरियां कर लिया जावे। तो ये साध संगत दे चरणां विच बेनती है, गुरमुख प्यारे खास करके नौजवानों के चरणों में भी बेनती है कि जदों नगर कीर्तन के शमूलीयत करनी है बड़े प्यार से सत्कार के नाल आप जी ने आना है, कोई हुलड़बाजी ना करिए, गुरु घर के सत्कार को मुख रखिए। नगर निवासियों के चरणों में बेनती है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए, आपो अपने जिहड़े अपने बरामदे ने अगला अपना हिस्सा है अपने दुकानों का अपने मकानों का वो साफ कर लिया जाए ता कि जिथों भी नगर कीर्तन लंघना है उत्थों विशेष स्वागत किया जाए, सतगुरां दा सतगुरां दीआं संगतां दा इस तरह स्वागत होवे। तो ये जिहड़े महान जिहड़े गुरपुरब ने इस तरह 13 तो लैके 16 दी सवेर तक ये संपन्न होने ने, तो साध संगत नूं बेनती है प्रधान साहब वालों मैनेजर साहब वालों समूह मैंबर साहिबान वालों कि आप जी इत्थे पहुँचो, रौनकां नूं वधाओ, गुरु घर दे विच नतमस्तक हो करके अपने जीवन नूं सफलिया करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।